हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। मेरे सभी मित्र मस्त और स्वस्थ होंगे इसी उम्मीद और आशा के साथ में आज की वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ फ्रेंड्स। और अभी जो है दोपहर के 12 बजे हैं, मैं अपने टेरेस पे आई हूँ और वीडियो की शुरुआत कर रही हूँ इन खूबसूरत फूलों के साथ में। ये देखिए, ये गुलदाउदी के फूल हैं। सर्दियों की एक हैवी फ्लावरिंग वाला प्लांट है गुलदाउदी, और इनके कलर भी बहुत प्यारे प्यारे आपको देखने को मिलते हैं नर्सरी में। और ये मैंने मात्र 10 रुपये का प्लांट खरीदा था दोस्तों, और आप देखिए 10 रुपये में आज के समय में कुछ नहीं आता है, लेकिन देखिए हमें तो 10 रुपये का मिला है ये गुलदाउदी का प्लांट। इनके फूलों को देख के ही अत्यंत खुशी होती है। काफ़ी लंबे समय तक इनके फूल बने भी रहते हैं, कटिंग से भी ये प्लांट लग जाता है। तो मैंने समय समय पर आपको इनको कैसी इसकी देखभाल कीजिए, कैसा फर्टिलाइज़र आप देते रहिए, ऐसी कई सी वीडियो इनके ऊपर बना दी हैं। तो ये देखिए अच्छी फ्लावरिंग वाला प्लांट है दोस्तों ये। और यहाँ पर ये देखिए, ये मेरे सब पिछले साल के ही पौधे हैं, जैसा कि मैं आपसे शेयर करती हूँ, ये 2 साल पुराने पौधे हैं दोस्तों और सब में ही अच्छी फ्लावरिंग होने लगी है। यहाँ पर ये देखिए, ये भी गुच्छों में फ्लावर आ रहे हैं इसमें। अब देखिए ये भी वेस्ट मटेरियल के ऊपर लगा हुआ है, ये देखिए। और यहाँ पर भी बंचों में फूल आ रहे हैं, गुच्छों में फ्लावर आ रहे हैं इसमें। तो इनकी कुछ जो है देखभाल अच्छे से की जाए तो इनमें अच्छी हैवी फ्लावरिंग होती है। और ये भी देखिए दोस्तों, ऑयल की बॉटल में लगा हुआ प्लांट है ये देखिए। और ऑयल की बॉटल में भी देखिए दोस्तों, इतने खूबसूरत फूल आ रहे हैं, इतनी अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। तो ये कमाल सब जो हम खाद वगैरह देते हैं उन्हीं का है। और यहाँ पर भी देखिए दोस्तों, इसमें भी ढेरों फूल आ रहे हैं गुलदाउदी में। ये देखिए यहाँ पर भी ढेरों फूल हैं, ढेरों कलियाँ हैं। ये देखिए इसमें भी, ये कटिंग से लगाया था दोस्तों और अब काफ़ी बड़ा हो गया है, तो बहुत जल्द इसमें भी जो है फ्लावर आने वाले हैं। बर्ड्स काफ़ी अच्छी हो गई हैं इसमें भी। और यहाँ पे सारे सर्दियों के मेरे पिटोनिया हैं ये देखिए, और ये जो बीजों से तैयार किए हुए हैं सारे, ये वाले जो प्लांट है मेरे, ये सब मैंने बीजों से तैयार किए हैं दोस्तों ये देखिए। इसलिए इनमें जो है, ये कैरंडुला भी मैंने बीज से तैयार किया है ये देखिए। और यहाँ पर ये मेथी मेरी काफ़ी अच्छी हो रही है, कुछ समय बाद जो है इनको हार्वेस्ट भी कर लेंगे हम लोग। और मैं दिखाती हूँ दोस्तों, यहाँ पे कुछ चेंज भी मैंने किया है। पहले ये प्लांट मेरे यहाँ पर रखे हुए थे, अब सबको मैंने इस तरह यहाँ पर शिफ्ट कर दिया। ये देखिए आप, इस तरह जो है यहाँ पर लगा दिया है मैंने। और ये देखिए दोस्तों, हरा धनिया, जो बेकार का आटे का बैग होता है उसमें लगाया है। और देखिए कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है इस हरे धनिए की, आप देख सकते हैं। और मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे जो मैंने मूली लगाई थी, और ये देखिए मूली में बहुत अच्छी ग्रोथ हो रही है ये देखिए। ये भी देखिए दोस्तों, ये सारी मूली है, ये मूली, ये साग है, सरसों का साग है, और बहुत अच्छे से हो रहा है आप देख सकते हैं ये देखिए। और इसमें मैंने जो यूज़ किया है वो सिर्फ मैंने गोबर की खाद का ही उपयोग किया है, उसके अलावा मैंने इसमें कुछ भी नहीं डाला है, सिर्फ गोबर की खाद। इसमें भी गोबर की खाद का ही उपयोग किया है ये देखिए। यहाँ पर भी है, ये मूली है, और यहाँ पर ये सारे मेरे सदाबहार रखे हुए हैं। और यहाँ पर ये पोथा ग्रास है, यहाँ पर रेडिनियम है मेरे छोटे छोटे, और अपराजिता में फलियां बन रही हैं दोस्तों ये देखिए। इस प्रकार फलियां बनती हैं इनमें, और फिर इनमें ही बीज भी तैयार हो जाते हैं ये देखिए। ये है अभी का मेरा गार्डन। और एडिनियम में दोस्तों, ये कनेर है, एडिनियम में फ्लावर अब सूखने लगे हैं, तो इनको मैं निकाल दूँगी इस तरह। इस तरह आपको इनको निकालना है, सूख जाते हैं जब फ्लावर, तो आप उनको इस तरह निकाल दीजिए दोस्तों। ये है अभी का मेरा गार्डन जो है। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।
और ये देखिए ये यूफोर मिलिया है, इसमें भी बहुत अच्छी फ्लावरिंग हो रही है। कटिंग से भी ये प्लांट बहुत ही आसानी से लग जाता है दोस्तों। ये एक परमानेंट प्लांट है, इसको आप ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें, ये सालों साल आपकी गार्डन में ही बना रहेगा। यहाँ पर ये देखिए इस तरह यहाँ पर रखे हुए हैं ये प्लांट। और नेस्टिशियम में भी अच्छी ग्रोथ हो गई है, बहुत जल्द इसमें भी फ्लावर आएंगे दोस्तों। ये देखिए वेस्ट मटेरियल के ऊपर लगा हुआ है, ये भी बीज से तैयार किए हैं ये पौधे सारे मैंने, जो मेरे पास पिछले साल बीज थे उन्हीं से ही ये पौधे तैयार किए हुए हैं सारे। ये देखिए यहाँ पर भी पिटोनिया भी है। तो आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी, और गुलदाउदी के फूल तो मेरे गार्डन में अभी बहुत ही खूबसूरत नज़र आ रहे हैं। ये देखिए दोपहर का समय और फूलों की बहार देखने को मिल रही है, बहुत ही अच्छा लगता है देखने में भी। सालविया और ये देखिए दोस्तों कैरंडुला में बहुत जल्द फ्लावर आने वाले हैं, बर्ड्स आप देख रहे हैं। ये भी बीज से तैयार किया था मैंने, ये देखिए यहाँ पे ये कटिंग से तैयार पौधे हैं, ये देखिए दोस्तों। तो ये थी आज की वीडियो। बाय फ्रेंड्स, फिर मिलूँगी एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। बाय फ्रेंड्स, हैप्पी गार्डनिंग।